अब मध्य प्रदेश को ऐसे ही अजब और गजब नहीं कहा जाता। मध्य प्रदेश में तमाम चीजें अजब और गजब हैं। अब मध्य प्रदेश में पुलिस भी अजब गजब की है, जहां पर हम आज आपको ऐसी दास्ता पुलिस की सुना रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यहां तो मुर्दे भी चिल्लाने लगे हैं। अजब गजब कहानी सुने आप खुद मुर्दे की जुबानी। मुर्दा चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मुर्दा को जिंदा देख गांव वालों में अब एक हड़कंप मच गया है। पूरा माजरा क्या है जरा हम आपको सिलसिले बार बता देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम जोपनला गांव का है। यहां पुलिस के द्वारा 2014 में मृतक बताई गई लड़की कल अचानक से घर वापस आ गई। पुलिस ने 2 साल पहले लड़की के कंकाल को बरामद कर हत्या के आरोप में लड़की के पिता और भाई को जेल भेज दिया था। पुलिस की कहानी के अनुसार 13 जून 2014 को लड़की के भाई सोनू ने अपने पिता के साथ लाठी से हमला कर बहन की हत्या कर दी थी और शव को घर के पास खेत में दफना दिया था, जिसको 2021 में पुलिस ने तमाम गवाहों के सामने वो पंचनामा बनाया था। लड़की के भाई और पिता से अपराध कबूल भी करवा लिया था, मेडिकल रिपोर्ट और तमाम दस्तावेज भी बना लिए, तहसीलदार और डॉक्टरों की पुष्टि भी हासिल कर ली। फिर इन सबूतों के आधार पर लड़की के भाई और पिता को जेल भेजकर सारी औपचारिकताएं पूरी करके न्यायालय में चालान पेश कर वहां भी बाह बाही लूट ली। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिसे पुलिस ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक लड़की कल अपने घर वापस आ गई, जिसे देखकर गांव वाले और घर वाले अचंभित रह गए। पूरे इलाके में ये मामला चर्चा में आ गया है। पुलिस आनन फानन में मामले को दबाने में लगी है, लेकिन पुलिस की ये कोशिशें सफल होती नजर नहीं आ रही है। लड़की ने बताया कि वो अपनी मर्जी से घर से गई थी, इतने समय तक वो उज्जैन के पास रही और उसने शादी भी कर ली। लड़की का कहना है कि उसके पिता और भाई निर्दोष हैं, उन्हें पुलिस ने जबरन फंसाया है। बता दें लड़की का भाई 2 साल से जेल में है, पिता को 1 साल जेल में रहने के बाद उम्र के आधार पर जमानत मिली है। लड़की का कहना है कि मेरे निर्दोष भाई और पिता के साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस ने दिखाई थी 210 हड्डियों की बरामदगी। मामले में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि पुलिस ने जमीन खोदकर कंकाल की 210 हड्डियों की बरामदगी दिखाई है, जबकि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। साथ ही 7 साल बाद सारी हड्डियों की बरामदगी होना भी आश्चर्यजनक है। ताजुब की बात है कि डॉक्टर और तमाम अधिकारियों को भी ये तथ्य दिखाई नहीं दिया। पुलिस द्वारा अपना केस मजबूत बनाने के लिए ऐसे अनेकों मनगढ़ंत साक्ष्य पेश किए, जिनका जवाब देना भी अब पुलिस के लिए भारी पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश से लेकर देश तक में हड़कंप जरूर मचा दिया है कि आखिर पुलिस ऐसे कैसे लापरवाही कर सकती है, क्या लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी, यह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तय करेंगे। लेकिन फिलहाल मुर्दा चीख चीख कर न्याय मांग रहा है। मोहित साहू, खबर एक्सप्रेस में, छिंदवाड़ा। नहीं, मेरे को कोई किसी ने मारा भी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं करा, ये तो झूठा इल्जाम लगाया पुलिस वाले ने जबरदस्ती मेरे पापा भैया से सबसे मतलब मार पीट करके जबरदस्ती हाँ कर रही है इन्हें। मार खाने वाला कब तक मार खाएगा, उसको तो मार कर से बचने के लिए इन्हें झूठ बोल दिया। तो क्या आपके साथ घर में मारपीट होती थी? नहीं नहीं होती थी, वो तो ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है भाई बहन के बीच में तो झगड़ा। तो पुलिस ने फिर किस आधार पे आपको मृत घोषित किया? अभी ये नहीं पता उन्होंने किस आधार पे मेरे को मृत घोषित किया। पता नहीं किसका वो कंकाल लेके आ गया, उसको बोल दिए कि ये तो आपकी लड़की है, ये ही आपकी मतलब मर गई है, इसके इल्जाम में मेरे भाई को जेल पहुंचा दिया। आपका भाई कब से जेल में? 3 साल पहले। पिताजी कितने दिन जेल में रहे? 1 साल। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता।